नमस्कार, इंदु आइडियल तड़का रेसिपी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं यहाँ पे बनाऊंगी मशरूम मटर की सब्जी दम स्टाइल में। तो देखिए, इसके लिए मैं यहाँ पे मसाला पीस रही हूँ। ये कुछ मसाले हैं जो आप ग्रेवी वाली सब्जी में यूज कर सकते हैं। मैं इसे पेस्ट बना के रखे रहती हूँ। तो देखिए, इसमें मैं डाली थी लहसुन, अदरक, हरी मिर्च और धनिया, 1 चम्मच हल्दी और 1 चम्मच मैं इसमें सरसों तेल डाल के अच्छे से पेस्ट बना ली हूँ। और ये डब्बे में भर के मैं कुछ फ्रिज में रखूँगी। बाद में ग्रेवी वाली सब्जी झटपट से बनानी हो जल्दबाजी में तो ये मसाला तैयार रहने से जल्दी बन जाता है। चलिए आगे देखिए, मैं बचा हुआ मसाला इसमें यूज करूँगी। तो ये है मशरूम, देख लीजिए, बटन मशरूम है ये। बहुत ही टेस्टी सब्जी बनेगी इसकी। तो 1/2 kg ये बटन मशरूम मैं ली हूँ यहाँ पे, और 1/2 kg ये फ्रोजन मटर ली हूँ मैं। तो फ्रोजन मटर ये अच्छा होता है, आप खुद भी घर में बना सकते हैं, फ्रिज में डाल सकते हैं, फ्रीजर में अच्छा तैयार होता है ये। एयर टाइट करके आप पैक करके रखेंगे तो अच्छा होगा। ये यहाँ पे मैं 250 ग्राम आलू ली हूँ और 1/2 kg मैं प्याज को अच्छे से पतला स्लाइस में काट ली हूँ। तो बस यही है इस सब्जी का। और ये जो है मसाला है, मसाला में मैं यहाँ पे ली हूँ ये 10-12 काली मिर्च, 5-6 लौंग, 2 टुकड़ा दालचीनी, 2 बड़ी इलायची और 2 छोटी इलायची, 1/2 टुकड़ा मैं जायफल ली हूँ, 4-5 पीस जावित्री, 2 चम्मच जीरा, 2 चम्मच खसखस और पोस्तादाना, बस यही। और ये गैस पर मैं कढ़ाई गरम कर ली हूँ, उसमें मैं 4-5 चम्मच सरसों तेल डाल के ये 2-3 लाल मिर्ची मैं इसमें डाल दी हूँ और 1-2 तेज पात। तो बस ये थोड़ा सा भुन जाएगा, उसके बाद मैं इसमें 1 चम्मच जीरा डाल के और इसे तड़का लगाऊंगी। और हींग डाल दी मैं 2-3 पिंच। और ये है प्याज, प्याज को मैं अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक मीडियम गैस पे फ्राई करूंगी इसे। तो बस ये फ्राई हो रहा है, तब तक मैं आपको दिखाती हूँ ये मशरूम कट करके रखते हैं हम। देखिए, इसे चलाते रहें बीच बीच में, प्याज जले नहीं, इसका ध्यान रखें। और बस इधर मशरूम तब तक काट लें। ये देखिए, मशरूम आप अपने हिसाब से काट सकते हैं, छोटा बड़ा साइज जैसा चाहिए। मैं यहाँ पे बड़े पीस को 2 टुकड़े में काटूंगी और जो छोटा पीस है, छोटा पीस को 2 टुकड़े में काटूंगी और बड़ा को 4 पीस में काटूंगी। तो बस ये देखिए, मैं यहाँ पे साथ में भून रही हूँ, अभी ये काट के आपको दिखाऊंगी। अच्छे से मैं इसको साफ पानी से 2-3 बार धो ली हूँ, इसको सफाई अच्छे से करें। तो बस ये मैं अच्छे से धो ली हूँ इसको, उसके बाद मैं अगला प्रोसेस दिखाऊंगी। तो देखिए, इस तरह से आप चाहे तो छोटा बड़ा साइज अपना काट लें। बस ये काट रही हूँ मैं, ये कट के तैयार हो गया है, देख लीजिए दिख रहा है कितना अच्छा सा। तो बस इधर सब्जी, ये जो प्याज है ये भी तब तक गोल्डन होने लगा है। तो बस अब मैं इसमें से थोड़ा सा प्याज निकाल के रखूँगी। तब तक इधर देखिए, मैं यहाँ पानी गर्म करके ये मशरूम को थोड़ा सा इसको मैं बॉयल करूँगी। बॉयल मतलब हल्का सा, एक बार उबाल आएगा बस मैं बंद कर दूंगी, इसे ज़्यादा बॉयल नहीं करना है। पानी अच्छे से थोड़ा गर्म हो जाए बस बंद कर देंगे। और 1 चम्मच मैं इसे पानी में डाल दी हूँ नमक, और ये 1/2 चम्मच हल्दी डाल दी हूँ। इससे मैं मशरूम में डालूंगी, इससे बहुत अच्छा मशरूम का टेस्ट भी आएगा और अच्छा सफाई भी हो जाएगी इसकी, और मशरूम का टेस्ट सब्जी में जाके भी और कलर भी अच्छा बनेगा। तो देखिए, इधर प्याज अब होने वाला है, तब तक मैं इधर मशरूम डाल देती हूँ इसमें। और इसे मैं थोड़ा सा बॉयल करने के लिए छोड़ दूंगी 5 मिनट, 2-4-5 मिनट में ही ये हल्का सा बॉयल होगा, क्योंकि इसको पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बहुत जल्दी पक जाते हैं ये। तो देख लीजिए, आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये सब्जी बहुत ही स्वादिष्ट और टेस्टी बनने वाली है। तो आप देखते रहिए आगे, मैं इसमें और कौन सा स्टेप लेती हूँ। ये बहुत ही आसानी से बनता है सब्जी, झटपट बनता है, ज़्यादा झंझट नहीं है। बस उधर वो
थोड़ा सा बॉयल हो रहा है, तब तक इधर देखिए ये प्याज अब फ्राई हो गया है, मैं इसे अब निकालूंगी। ये तब तक ये बंद कर दी हूँ मैं, इतना ही इसको बॉयल करना था बस। देखिए ये 2 मिनट में इस गर्म पानी में तब तक छोड़ दूंगी जब तक ये प्याज मैं इसमें निकाल ले रही हूँ। प्याज मैं इसको पेस्ट बना के डालूंगी सब्जी में, इसलिए मैं यहाँ पे 3-4 चम्मच प्याज का निकाल ली हूँ जो भुना हुआ है, और बाकी मैं उसी में रहने दूंगी, बाकी को नहीं पीसूंगी। और ये जो मैं मसाला शुरू में बताई थी आपको पेस्ट बना के रखी थी, उसमें से मैं 4-5 चम्मच इसमें मैं डाल दूंगी। ये 4-5 स्पून है, आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें डाल सकते हैं। बस इसमें और कोई मसाला ऐसे नहीं पड़ता है, बस गरम मसाला ही लास्ट में अब पड़ेगा। इसमें हल्दी और थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, यही दो डालेंगे, क्योंकि हम धनिया इसमें साथ में पीस चुके हैं साबुत धनिया को ही, तो अब ऊपर से हम नहीं डालेंगे इसमें धनिया। बस हल्दी डाल दिए हैं थोड़ा सा, 1/2 चम्मच, और मैं थोड़ा हल्दी पहले जो पेस्ट बना था मसाले का उसमें भी था, तो इसलिए मैं थोड़ा कम ही हल्दी अभी डालूंगी। और ये है मिर्ची पाउडर, तो मैं मिर्ची पाउडर डाल दी हूँ थोड़ा, क्योंकि काली मिर्च वगैरह भी इसमें पड़ेगा, तो मिर्ची पाउडर आप हिसाब से सोच के डालें। और थोड़ा नमक डाल दी हूँ, अब इसे मैं अच्छे से मिक्स करूँगी, थोड़ी देर चलाऊँगी। उसके बाद इसका जो मसाला था पेस्ट का, वो मैं धो के अच्छे से इस कटोरी का भी इसमें डाल दी हूँ, ताकि ये अच्छा गाढ़ा सा मसाला जले नहीं और अच्छे से भूनते रहे, फ्राई हो। तो बस देख लीजिए यहाँ पे ये रेडी है। और ये जो प्याज मैं निकाल के रखी थी, जो गरम मसाला पहले मैं दिखाई थी, उसमें एक तेजपात भी मैं ऐड की थी, ये डाल के मैं इसका पेस्ट बना के रखूँगी। ये सब्जी बन जाएगी तो लास्ट में ही इसमें डालना है, पानी डालने के टाइम ही मैं सब्जी में ये मसाला ऐड करूँगी, तब तक ये पकेगा। ये देखिए यहाँ पे मैं ये मशरूम को निकाल के रख रही हूँ, देखिए अच्छा सा कलर दिख रहा है इसका, मशरूम का। तो बस ये तैयार है, हल्का सा ये हो गया है ब्लांच, बस देखिए। तब तक ये मसाला इधर भून रहा है, मसाला भूनते समय आप इसे बीच बीच में ज़रूर चेक करते रहें, चलाते रहें। मसाला जो है अच्छे से ये फ्राई होना चाहिए, इस मसाले का टेस्ट बहुत अच्छा आता है सब्जी में जब फ्राई अच्छे से हो। तो इस समय आप ध्यान रखें इसका, बिल्कुल तेल निकलने तक इसे भुने अच्छे से। आपको लगे कि थोड़ा जलने लगा है तो थोड़ा बीच में आप पानी भी डाल सकते हैं इसमें, ऐसा कुछ नहीं है। मैं बिल्कुल सिम गैस में इसे डाल रखी हूँ मसाले को, बिल्कुल गैस कम करके, इसलिए धीरे धीरे ये भून के 5-7 मिनट लगे हैं इस मसाले को भूनने में, ये भून गया है अच्छे से। तो यहाँ पे देखिए आपको दिख रहा होगा ये अब भून के तैयार ही होने वाला है। अब मैं इसमें डालूंगी मशरूम, जो कि इधर तैयार किया हुआ है। मशरूम को हम फ्राई नहीं करेंगे इसमें, साथ में ही ये फ्राई हो जाएगा मसाले के साथ ही, अपना पकेगा भी और फ्राई भी होगा। तो यहाँ पे बिल्कुल ये तैयार हो गया है मसाला। ये 2 मिनट और मैं इसे अच्छे से चला दी हूँ, अब इसे और भुनने की ज़रूरत नहीं है, बस हो गया है ये, तो आप देख ले अपने हिसाब से। और बस अब हम इसमें मशरूम डाल दे रहे हैं, देखिए मशरूम डाल के मिक्स कर देंगे। उसके बाद मैं मटर भी इसमें डाल दूंगी साथ में, मटर भी इसके साथ थोड़ी देर अच्छे से भुनेगा। मटर और मशरूम दोनों एक साथ डालने के बाद, अभी ये डाल दी मैं, अब मटर डालूंगी, उसके बाद आप देखेंगे दोनों मिलके थोड़ा सा पानी भी रिलीज करेगा ये, तो पानी छोड़ने के बाद इस दोनों आपस में अच्छे से मसाले के साथ मिक्स होते हुए ये पकेंगे भी और थोड़ा फ्राई भी होते रहेंगे। तो गैस यहाँ पे ज़्यादा हाई नहीं करना है, मीडियम ही रखना है, और ये थोड़ा भूनते और पकते रहेगा। मटर बहुत जल्दी पक जाता है ये, और इसका टेस्ट जो बिना भुना हुआ है तो हरा लगेगा, ऐसा कुछ नहीं है, टेस्ट भी अच्छा आता है ये पकते पकते साथ में अच्छा बन जाता है। बस देखिए यहाँ पे ये भून रहा है, बीच में मैं एक दो बार चेक करते रही हूँ, और चेक करके मैं इसे बस चलाते रहूँगी बीच बीच में। बस देखिए इसे फिर आप ढक्कन खोल के 2-3 बार चेक करते हुए इसे अच्छे से फ्राई करते रहे,
यही मेन स्टेप है इसका, जो आप ध्यान रखेंगे तो ये सब्जी बहुत ही टेस्टी बनेगी, बिल्कुल दम स्टाइल में। मिथिला में आलू दम बनता है, उस स्टाइल में ये बनेगा, बिल्कुल आलू परवल का दम बनता है उस स्टाइल में ये बनेगा, बहुत ही टेस्टी लगेगा। तो देखिए इसमें मैं आलू भी ऐड करूँगी, आप चाहे तो आलू नहीं भी डाल सकते हैं, इतना पर भी आप इसमें गरम मसाला ऐड करके ये सूखी सब्जी की तरह भी आप इसे यूज कर सकते हैं। मैं इसमें टमाटर वगैरह नहीं यूज की हूँ, बिना टमाटर का ही ये जो गरम मसाला मैं पीस के रखी थी उसे मैं अब डालूंगी, थोड़ा पानी डाल के मैं इसमें मिक्स करूंगी। तो ये देखिए पानी आप अपने हिसाब से इसमें डाल लें, मैं यहाँ पे पानी करीब 1/2 लीटर तक डाल दी थी पानी इसमें, मुझे ग्रेवी वाली ही बनानी है। तो ये मसाला मैं इसमें डाल के अच्छे से धो के अब बस मैं चावल के साथ ही इसे सर्व करूंगी, इसलिए मैं थोड़ा ग्रेवी ज़्यादा रखूंगी, आप देख लीजिएगा अपने हिसाब से ग्रेवी। तो बस ये अब तैयार होने वाला है, 5 मिनट इसे हम थोड़ा पकने देंगे मीडियम गैस करके, एक उबाल थोड़ा आ जाए फिर मीडियम गैस करके थोड़ा 5 मिनट रख देंगे इसे, और उसके बाद ही हम गैस बंद कर देंगे, फिर सर्व करके आपको दिखाएंगे। तो आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी ज़रूर कमेंट करके बताएं, पसंद आए आए तो लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, बने रहे हमारे चैनल पे अच्छी अच्छी रेसिपी देखने के लिए। तो देखिए ये कितना अच्छा दिख रहा है ना, तो आप चाहे तो यहाँ पे मिर्ची पाउडर और नमक वगैरह टेस्ट के हिसाब से और डाल सकते हैं, मैं थोड़ा नमक डाल दी थी। और ये देखिए बन के ये तैयार हो गया है, अभी देख लीजिए इतना ग्रेवी मुझे चाहिए, थोड़ा बाद में ये थोड़ा सा सूख भी जाता है ग्रेवी, तो मैं और भी लोगों का बनाई हूँ खाना, तो ये देखिए अभी कितना टेस्टी दिख रहा है ये, तो लीजिए इंजॉय कीजिए। ये है हम लोगों का आज का लंच, तो ये चावल और ये बूंदी का रायता, थोड़ा सा खीरा, तो लीजिए एंजॉय कीजिए। इस रायते की रेसिपी मैं शेयर नहीं की हूँ, बस सिंपल सा बूंदी और जीरा पाउडर वगैरह डाल के मैं इसे बनाई हूँ, बिल्कुल सिंपल तरीके से। ये है मशरूम की सब्जी जो बहुत ही स्वादिष्ट बनी है, तो एंजॉय कीजिए, फिर मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ।